नमस्कार, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं एसएनएल इंडिया में। हमारे बीच अभी मौजूद है कांकेर के विधायक माननीय समीर लाल जी। चलिए इनसे झारखंड के कुछ ज्वलन मुद्दों पर बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है एसएनएल इंडिया में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि पंचायत जिला सचिव और JSSC का स्टूडेंट लोग का यही मांग है कि जब से हेमंत सोरेन जी आए हैं तो उनका मेरिट लिस्ट का ये नहीं निकल रहा, रिजल्ट नहीं निकल रहा। 2017 में एग्ज़ाम हुआ था और अभी 2021 हो रहा है, लगभग 5 साल होने को आए। सर, इस पर आपको क्या कहना है? ये देखिए, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, हमने विधानसभा में भी इस बात को रखे थे। निश्चित तौर पर जब लोगों का इंटरव्यू भी हुआ है, कई लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है, कई लोगों का प्रेजेंटेशन कम्प्लीट पड़ा है, ये सारा चीज़ को एक समिति बनाकर उसकी जांच करके त्वरित रूप से इन लोगों का रिजल्ट देना चाहिए, इन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। सर, विपक्ष इनके लिए क्या कर रहा है? विपक्ष ही तो कर रहे हैं, विपक्ष हम ही लोग तो सारे जो लोग कई लोग हड़ताल पर बैठे, कई लोग प्रदर्शन किए, सब जगह हम लोग जाकर नैतिक रूप से इन लोग को हम लोग समर्थन किए हैं और इनकी बात को विधानसभा में भी रखा है। फिर झारखंड सरकार के जितने मंत्री हैं, प्रतिनिधि हैं, उनका यह कहना है कि कोरोना के चलते सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रहा, तो इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, कोरोना देखिए, कोरोना एक अलग चीज़ है। कोरोना है तो चुनाव कैसे करा रहे हैं? रैलियाँ हो रही है, सभा हो रहा है, विधानसभा चल रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, काम क्यों नहीं हो रहा? ये बहाना है और सरकार रोजगार देने से बचना चाहती है। उनके एजेंडे में था कि मैं 2 लाख नौकरी दूंगा हर प्रत्येक वर्ष, तो केवल भाषण होता है, चुनाव का वोट लेने के लिए लोग ऐसा करते हैं और जब चुनाव ख़त्म हो जाता है, सरकार बन जाती है, तो ये सारा वादा भूल गए। उन्होंने कहा था बेरोजगारों को देंगे 5,000 रुपये महीना, अब जो इन्होंने घोषणा किया विधानसभा में, तो साल में 5,000, बताइए 14 रुपये कुछ पैसा एक दिन का, ये ऐसा बेरोजगारी भत्ता होता है? क्या पढ़े लिखे लोगों का सम्मान है? एक तो आप रोज़गार नहीं दे रहे हैं और रोज़गार नहीं देने की वजह से काफ़ी लोगों में रोष है, लोग बाहर जाने को तैयार हो जाते हैं, 5,000-4,000 में खुलने को तैयार हैं, यहाँ के इंजीनियरिंग के लड़के लोग और भी कई तरह के लोग, तो ये सरकार को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ के झारखंडी जो बेचारे युवा है वो ठगे से अपने आप को महसूस कर रहे हैं। कम से कम उनको सरकार को चाहिए कि उन लोग को रोज़गार देकर उन लोग के दिल पर ठंडक पहुँचाए। मेरा एक और आपसे सवाल है कि होमगार्ड, आप देखे होंगे होमगार्ड के जवान विधानसभा के समक्ष पिछले 20-25 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि ना उनका सैलरी बढ़ाया जा रहा है, ना उन्हें मान सम्मान दिया जा रहा है, जबकि हेमंत सोरेन जी आए हैं यही वादा करके कि हम लोग आएंगे सरकार में तो होमगार्ड जवानों को उनको उनका मान प्रतिष्ठा एवं सैलरी देंगे उचित। तो सर, इस पर आपका क्या कहना है? BJP इसके लिए क्या कर रही है होमगार्ड जवान के? देखिए, आपने देखा होगा जब इन लोगों का धरना चल रहा था, विधानसभा का सत्र चल रहा था, मैं स्वयं आप उन लोग से जाके पूछे या हमारे पास है सर, हम उन लोग के बीच में उन लोग की मांग को जानने गए थे और नैतिक समर्थन देने गए थे और इस बात को लेकर हमने 22 तारीख को विधानसभा में काफ़ी इस पर रखा था बात को कि हम लोग के लोग जो बैठे हैं बेचारे धूप में बाल बच्चे से, उनका संज्ञान लेना चाहिए और उनकी जो उचित मांगे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। और आज भी हमारे सांसद संजय सेठ जी, आप देखें अखबारों में भी आएगा, न्यूज़ चैनल भी चल रहा है, होमगार्ड लोग के बीच में गए हैं और उनके मांग को सुने हैं और उनको कैसे न्याय दिलाया जाए इसके लिए वो हमेशा प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हो, विधायक हो, सांसद हो, पदाधिकारी हो, सारे लोग उनके जो मांग है उसके वो उनकी जायज़ मांग है और उसके लिए हम लोग सब उनका समर्थन करते हैं और सरकार पर दबाव बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं कैसे उनकी मांग। उपचुनाव में जो हाजी हुसैन जी के बेटे हैं हफीजुल हसन, इनका ये कहना है कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं गंगा नारायण, इनका कोई कंपटीशन ही नहीं है, वो आसानी से जीत जाएंगे, भाजपा उनको टिकट दे के गलत किया। सर, इस पर आपका क्या नजर है? देखिए, उस महमे के शिकार हो रहे हैं,
मंत्री हैं तो सोच रहे हैं कि चूँकि वहाँ तो वंशवाद की शुरुआत तो है ही, वंशवाद का परंपरा है, विपक्षियों के लिए जो सत्ता पक्ष के लोग जो बोल रहे हैं ये सब वंशवाद के तक है। और निश्चित तौर पर वो कहावत है कि एक नाई एक बाल कटा रहा था कोई व्यक्ति, तो नाई से पूछता कि हमारा बाल कितना है, गिन के बताओ मेरा बाल कितना है, तो नाई बोला कि सब तुम्हारे सामने आके कट के गिर रहा, तुम गिन लेना कितना बाल है। तो इनको तो पता चल जाएगा चुनाव के बाद रिजल्ट हमारे पास में होगा। अभी हाल के दिनों में रामनवमी एक जरूर आ रहे हैं और इस पर झारखंड सरकार का ये आदेश है कि कोरोना को देखते हुए जुलूस ना निकाले, और बहुत सारे धर्म गुरु भाजपा के हमारे निशिकांत दुबे जी, दीपक प्रकाश जी, इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी हो जुलूस निकलेगा। इस पर आप कांके के विधायक होने के नाते क्या कहना चाहते हैं सरकार को और आम लोगों को? देखिए अभी हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और विचार करके कि क्या सचमुच कोरोना का ऐसा संक्रमण है, अगर है तो निश्चित तौर पर आदमी को पहले तो जान बचाना, और केवल ये इस मानसिकता से है कि कोई भी हिंदू का पर्व आता है तो उसमें इस तरह के अड़ंगा जैसे पिछले बार छठ के समय में भी हुआ था, तो अगर उस तरह की भावना अगर है, उस मानसिकता से अगर इस तरह का किया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो लोग हैं जो आस्था रखते हैं ईश्वर में वो तो पूजा पाठ करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमारे काके के विधायक समीर लाल जी किस बेबाकी तरीके से हर ज्वलन मुद्दों पर अपने राय दिया। इसी के साथ आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहें एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। रिपोर्टर सौरभ राय और कैमरामैन शुभम बनर्जी।